भाइयों और बहनों, कांग्रेस देश की सेवा के लिए सरकार नहीं चलाना चाहती, वो सिर्फ एक परिवार के लिए सोचती है और उसी को समर्पित है। बाकी लोग उसके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। आजादी के बाद से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो कांग्रेस में आप इस एक परिवार के अलावा और किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। इस परिवार के अलावा कांग्रेस को भारत में कोई और रत्न ही नहीं दिखता। इसी परिवार के आगे कांग्रेस को कभी भगवान बिरसा मुंडा की याद नहीं आती। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखते। इस परिवार के आगे कांग्रेस को कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिखते। कांग्रेस अपना हर फैसला नामदार के परिवार के हितों के ध्यान में रखते हुए लेती है। देश का कुछ भला हो जाए, देश के गरीबों का कुछ भला हो जाए, इसकी उसने कभी परवाह नहीं की।